हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। और हमने कल बताया था आपको कि हम इस विषय पर बाकी चर्चा अगले दिन करेंगे, तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज शब्द निर्माण में जो कुछ आपका पोर्शन बचा हुआ था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कल वाली जो क्लास थी वो कैसी लगी थी। और आज हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और आपके कमेंट्स और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। ठीक है ना, तो आइए हम चर्चा करते हैं शब्द निर्माण पर। मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी शब्द जो होता है वो किसके द्वारा बनता है, वर्णों के द्वारा, है ना। और वर्ण भी टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो होता है आपका स्वर होते हैं, और एक व्यंजन होते हैं। मैंने इसमें आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, और स्वर जो होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। और यही मैं आपको ये भी बता दूँ, एक बार रिपीट करवा दूँ कि जो आपके स्वर होते हैं मुख्यतः दस होते हैं। अ से लगाकर अह तक उसमें से री, ओम और अह जो होते हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं, मुख्य स्वरों में नहीं आते हैं। आपके मुख्य स्वर जो होते हैं मैंने आपको लिखवा दिए हैं, तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करने से क्या होता है कि जो पिछला आपने पढ़ा है, याद किया है, वो एक बार अगर आपके माइंड में आ गया तो उससे क्या होता है कि वो रिवाइज होते जाता है और आप उसको अधिक समय तक याद रख पाते हैं। ठीक है, इस चर्चा के साथ में हम शुरू करते हैं वापस से शब्द निर्माण, जो कि हमारा कल का अधूरा टॉपिक था। ठीक है, आइए हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया था कि कोई भी शब्द जो होता है वर्णों से मिलकर बनता है, और वर्ण भी कौन कौन से, मैंने आपको बताए थे कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है, एक शब्द बनता है। और शब्द मैंने बताया था आपको दो प्रकार के, तीन प्रकार के बताए थे, एक तो यौगिक रूढ़ बताया था, एक यौगिक बताया था, और एक योग रूढ़ बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो यौगिक शब्द होते हैं या रूढ़ शब्द जो होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम और भागों में नहीं बांट सकते हैं। मतलब ऐसे शब्द बन जाते हैं कि यौगिक शब्द बनने के मतलब जब हम वर्णों का मेल करते हैं तो एक ऐसा शब्द बनता है जिसका एक ही अर्थ होता है। मतलब उसको अगर हम डिवाइड करें या उसको हम तोड़ें तो उसके अन्य अर्थ नहीं निकलते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने चर्चा की थी यौगिक शब्द, ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ दें लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएं, या फिर किसी जो हम जिसको हम शब्द को तोड़ रहे हैं उसका अर्थ पूर्णतः परिलक्षित हो, या जो अर्थ हो वो हमको दिखाई दे, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे ही योग रूढ़ मैंने आपको बताया था जो समाज से रिलेटेड होते हैं, जैसे कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया था पंचानन, तो इसमें क्या है, ठीक है, जिसके जिसके जिसकी क्या हो, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ कि अष्टभुज, अगर हम इसका विग्रह करें या इसको तोड़े तो क्या बनता है, आठ भुजाओं वाला बनता है। ठीक है, तो जिसकी भुजाएं आठ हो या आठ भुजाओं वाला, तो ये क्या बताते हैं मैंने आपको, योग रूढ़। ऐसे शब्द होते हैं जिनका अलग ही अर्थ निकलता हो या उसका अर्थ जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी चर्चा के साथ में हम अब बात करेंगे जो कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय से मेरा मतलब ऐसे प्रत्यय जो संस्कृत मूल से बने हों। मतलब संस्कृत भाषा हम जानते हैं कि हमारी भाषा की जननी है, तो जो संस्कृत मूल के जो शब्द हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार से मैंने क्या बताया था कि संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको, 22 बताई थी। हिंदी में आपको बताई थी मैंने 13। तो संस्कृत के प्रत्यय तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो हिंदी के प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे हलंत है और इसके नीचे हलंत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया आपका क्लियर, ये कृत प्रत्यय मतलब जो संस्कृत के होते हैं वो प्रत्यय हो गए। उसके बाद में कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्या हो गए, आपके हिंदी के हो गए। इसी प्रकार से आपके अन्य दूसरी भाषाओं के भी हो और आगे आएंगे। ठीक है, मतलब जो देशज विदेशज जो शब्द होते हैं वो आपके नीचे आएंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले तत्शब्द प्रत्यय की, या तद्धित जो प्रत्यय होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो आपके मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, देख पा रहे होंगे आप, जातिवाचक प्रत्यय, व्यक्तिवाचक प्रत्यय और विशेषणवाचक प्रत्यय। ठीक है, अब जातिवाचक प्रत्यय में मतलब क्या समझते हैं आप, जातिवाचक वाचक प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रत्यय
जो किसी जाति का बोध कराते हो, ठीक है, या संज्ञावाचक भी बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, संज्ञावाचक, या संज्ञावाचक ना बोले तो जातिवाचक ऐसे बोल लीजिए कि ऐसे प्रत्यय जो किसी विशेष का अर्थ उजागर करते हो, ऐसे प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ बाल, बाल से तो हो गया कोई भी बच्चा, ठीक है, अब बाल में बच्चा हो गया, ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, पन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, बालपन बन गया, या फिर इसको बचपन भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो क्या इसका अर्थ अलग ही बन गया, बालपन मतलब जो बचपन, बचपन का जो, बचपन काल का जो समय है वो आपका क्या बन गया, बालपन का क्या बन गया, आपका बचपन काल का समय, ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों। जातिवाचक जो प्रत्यय होते हैं वो समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ, और मैं इसमें आपको कुछ लिखवा देता हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये इसके मैं लिखवा रहा हूँ जातिवाचक है, सबसे पहले तो मैंने लिखा लिखा बच्चा प्लस पन, ठीक है, उसके बाद में लिखिए पूरी जाति का बोध कराते, ऐसे मतलब ऐसे प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जैसे जुड़ते हैं तो उसे पूरी, उसकी जो पूरी जाति होती है उसका बोध होने लगता है, तो ऐसे प्रत्यय को हम जातिवाचक प्रत्यय कहते हैं, और ये आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ मित्र, शत्रु, और हो गया आपका नारी, नारी के बाद में हो गया आपका कवि और पितृ, ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके कौन से, जातिवाचक। जैसे मैंने इसमें ता जोड़ा तो क्या बन गया, मित्रता, क्या बन गया ये, मित्रता, तो मित्रता मतलब पूरी जाति का बोध करवा रहा है कि मित्रता की, तो इसमें मित्र मतलब जो आपका दोस्त हो गया वो हो गया, मित्रता मतलब आप ये तो मित्र तो आप महसूस कर सकते, पहचान सकते, लेकिन मित्रता क्या होता है, एक भाव होता है आपका, तो हम संज्ञा में भी पढ़ेंगे, ये भी हमको, हम आपको पढ़ाएंगे कि संज्ञाएं कौन कौन सी होती है, कैसे बनती है, क्या होता है, ये सब हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, है ना, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं कि जो जातिवाचक हैं, आपका जो जातिवाचक है वो किसी एक पर्टिकुलर नाउन या संज्ञा के साथ में जुड़कर क्या करता है, उसकी पूरी जाति का बोध करा देता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक प्रत्यय कहते हैं, जिसमें ऐसे कुछ प्रत्यय होते हैं जो जैसे जुड़ते हैं किसी शब्द के साथ में तो उसकी पूरी जाति का बोध हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने मित्रता हो गया था, अब देखिए शत्रु और इसके पीछे जोड़ दिया तो क्या बन गया, शत्रुता, ऐसे ही नारी में त जुड़ गया तो क्या बन गया, नारी में त जुड़ गया तो क्या बन गया आपका, नारीत्व, सॉरी त्व जुड़ गया तो क्या बन गया आपका, नारीत्व, ठीक है, तो क्या बन गया, नारीत्व, ठीक है, नारीत्व हो गया। अब उसके बाद में कवि में, कवि में क्या जुड़ गया, कवि में जुड़ गया आपका त्व तो क्या बन गया, कवित्व, इसमें भी त्व जुड़ गया तो क्या बन गया, कवित्व, ठीक है। आप इनको भी याद कर लेंगे ना तो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, आपको खुद को लग रहा हूँ कि ये सभी शब्द जो हैं वो पूरी पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं आपको, ठीक है, न कि पर्टिकुलर किसी एक शब्द का, ठीक है, तो इसमें पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या बन गया, आपकी जातिवाचक प्रत्यय बन गए, ठीक है। ये प्रत्यय जब भी किसी के पीछे लगते हैं तो समझ लीजिए उसको जाति के रूप में क्या करते हैं, वो करते हैं जाति के रूप में, उसको बताते हैं कि भाई ये पूरी जाति है, ठीक है। ऐसे एक और बचा है आपका पितृ, पितृ का मतलब होता है पिता, और इसमें जब त्व जुड़ता है तो क्या बन जाता है, पितृत्व, मतलब पूरी जितने भी पिता की, पिता जो होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, या पैतृक भाव जिसमें होता है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके जातिवाचक, जितने भी मैंने जातिवाचक जितने भी प्रत्यय थे वो आपको लिखवा दिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मैं आपको अपने क्लास के एंड में बता दूंगा कि कौन कौन से क्या है, एक एक अलग अलग लिखवा दूंगा, जो किसी के साथ में जुड़ते हैं तो इनको क्या कहते हैं, अलग अलग लिखवा दूंगा एक एक करके, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका व्यक्तिवाचक
संज्ञा जो होती है, व्यक्तिवाचक जो प्रत्यय होते हैं वो। अब व्यक्तिवाचक में आपके क्या क्या आते हैं देखिए, व्यक्तिवाचक की बात करते हैं, आपका जातिवाचक हो गया, अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक की। इसमें जैसे मैंने लिखा प्रथा, ठीक, उसके बाद में आपका हो गया पांडु, उसके बाद में हो गया आपका वसुदेव, उसके बाद में हो गया आपका वसुदेव के बाद में हम बात करते हैं राधा, राधा और कुंती। ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ऐसे चैप्टर से आते हैं जो हम पढ़ते ही नहीं, हम सोचते हैं कि इसमें से क्या आएगा, पर हम जो सोचते हैं कि इसमें से क्या आता है, क्या आएगा, वहीं से आपके क्वेश्चन बैठ जाते हो, फिर आप सिर पकड़ के वहीं एग्ज़ाम में इधर उधर सिर घुमाने लगते हो कि यार ये तो सब हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, तो है ही नहीं अपने कोर्स में। पर ऐसा नहीं होता है, हम जो चीज़ छोड़ देते हैं वही आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन जाती है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ना छोड़ें या किसी भी चीज़ को पूरी तरह से उसका पूरा अध्ययन करें, पूरी स्टडी करें, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिवाचक जो प्रत्यय हैं, अब मैं इनके साथ में कुछ ऐसे शब्द जोड़ूंगा जो पूरी इनका जो वो है, क्या कहते हैं उसका, इनका जो क्या मुख्य अर्थ जो होगा वो आपको बता देगा, या फिर इसकी जो व्यक्तिवाचक जो, जैसे कि हम किसी का नाम पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक, या किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम ले रहे हैं, तो वो इसमें पूरा आ जाएगा। जैसे हमने पहले जातिवाचक पढ़ा था तो उसमें पूरी जाति का बोध हो रहा था, अब यहाँ पर इसमें जो भाव है उनका बोध होगा, ठीक है। देखिए अब पहला लिखते हैं प्रथा, प्रथा में जैसे मैंने अ जोड़ा तो क्या बन गया, पार्थ बन गया, क्या बन गया, पार्थ। अब देखिए प्रथा में जैसे अ जोड़ा तो क्या बन गया, पार्थ, और पार्थ का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति या अनुसरण करने वाला, तो ये बन गया आपका पार्थ। जैसे इसमें पांडु, पांडु आपने महाभारत में सुना होगा कि कौरव और पांडव थे, है ना, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और इनके युद्ध, इनका जो युद्ध था उसमें श्री जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था, और उन्हीं के कहने पर ये युद्ध किया गया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर मैं ये युद्ध करूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती पड़ेगी, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी बताई थी अर्जुन को कि ये युद्ध इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करेंगे। ये कहने का मतलब ये है कि भगवान ने सृष्टि की रचना की है तो उसको पता है कि लोग बहुत एडवांस होते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे परिवर्तन करेंगे, इसलिए परिवर्तन न करें इसके लिए उन्होंने समय समय पर अपने अवतार लिए हैं और लोगों को बताया है कि भाई कैसे चलना है, कहाँ चलना है, मतलब उन्होंने लोगों के जो राह हैं या रास्ते हैं उनको क्या क्या उजागर किया, ठीक है, या रास्ते दिखाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पांडु की, जैसे ही पांडु में अ जुड़ा तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या बनेगा, पांडव, क्या बना, पांडव। पांडव क्या थी, एक पूरी जाति का नाम है, कौरव और पांडव जो थे ना महाभारत में, तो पूरे क्या बन गए, पांडव बन गए, ठीक है, सॉरी पांडव बन गए, ठीक है, पांडव बन गए, ठीक है। अब वसुदेव, वसुदेव में जैसे ही अ जुड़ा तो क्या बन गया, वासुदेव, जो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है भगवान कृष्ण का, जिन्होंने वो क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण के जो पिताजी थे वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं राधा की, राधा किसी का नाम है और इसके साथ में जैसे ही ए जुड़ा, क्या जुड़ा, जैसे ही इसमें ए जुड़ा तो क्या बन गया, राधे, क्या बन गया, राधे बन गया। ऐसे ही आपका कुंती, तो कुंती में ए जुड़ा तो क्या बन गया, कुंते, क्या बन गया आपका, कौंते, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपकी क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर कुछ था नहीं, मतलब यहाँ बस केवल नाम, ये जो क्रियाएं होती हैं या कोई जाति थी उसका नाम था, और उसमें जैसे अ प्रत्यय जुड़ा तो उससे किसी एक व्यक्ति का नाम परिलक्षित हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम में अ जुड़ा तो पार्थ बन गया,
और पांडु में अ जुड़ा तो पांडव बन गया, वासुदेव में अ जुड़ा तो वासुदेव बन गया, राधा में ए जुड़ा तो राधे बन गया, और कुंती में ए जुड़ा तो कौंते बन गया। ठीक है, तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, नोट कर लीजिएगा, एक मिनट का टाइम है आपके पास में, इनको नोट कर लीजिए। ये सबसे मेन मेन पार्ट जो है आपके ये हैं, जैसे ही किसी शब्द में जुड़े हैं आपके पूरे शब्द का ही अर्थ जो है वो बदल गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, शेयर कमेंट और लाइक करना ना भूले दोस्तों, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, वैसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो तो ठीक है। अब हम बात करते हैं विशेषणवाचक की, किसकी बात करते हैं, विशेषणवाचक की। ठीक है, विशेषणवाचक में जैसे ही पत्ती जुड़ता है तो ये क्या बन जाती है, भाववाचक बन जाती है। मतलब जैसे कि भाव जो होते हैं ना, व्यक्ति के मन में विचार आते हैं, भाव आते हैं, अच्छा बुरा भला वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, विशेषण में जैसे पत्ते जुड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, तो मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। देखिए देखिए, कायर मूर्ख वीर देखिए दोस्तों, ये मैंने शब्द लिखे हैं कुछ। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कायर की। अब कायर यदि किसी व्यक्ति के ऊपर लिया जाए तो किसी व्यक्ति को स्पेशल उसी को बोला जाता है कि भाई कायर हैं, डरपोक हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही कायर में ता जुड़ा, क्या जुड़ा, ता जुड़ा, तो क्या बन गया, कायरता बन गया। क्या बन गया, ये कायरता बन गया। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया, ये बन गया आपका कायरता बन गया। ठीक है, ऐसे ही मूर्ख में क्या जुड़ा आपका, मूर्ख में भी ता जुड़ा का क्या बन गया, मूर्खता बन गया। क्या बन गया, मूर्खता बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये सब क्या है, विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहे हैं कि भाई कायर है, कि मूर्ख है, कि वीर है, छोटा है, नीला हरा, ये सब क्या है, सब विशेषता है। और जैसे इनमें प्रत्यय जुड़ता है तो ये क्या बताने लगते हैं, भाव बताने लगते हैं। जैसे कि कायरता भाव हो गया, मूर्खता भाव हो गया, जैसे कि वीरता हो गया, वीरता भी भाव होता है, किसी में वीरता होती है, कोई देश के लिए समर्पित होना चाहता है ना, कोई देश की किस प्रकार से सेवा करना चाहता है, कोई देश की किस प्रकार से सेवा करना चाहता है, तो सभी के अलग अलग भाव होते हैं। ठीक है, कोई वीर होता है, कोई मूर्ख होता है, तो सभी में जैसे ही प्रत्यय जुड़ रहा है तो ये किसको बता रहे हैं, भाव को शो कर रहे हैं। ठीक है भैया, भाव को बता रहे हैं। ठीक है, अब लघु, अब लघु में जैसे त्व जुड़ा तो क्या बन गया, लघुत्व। क्या बन गया, लघुत्व। लघु के बारे में समझते होंगे आप, छोटा होता है, जैसे कि अपन पढ़ेंगे फिर बाद में जब छंद अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि लघु गुरु। ठीक है, छंद में पढ़ेंगे, लघु मात्रा गुरु मात्रा सभी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे लघु में त्व जुड़ा तो क्या बन गया, ये लघुत्व बन गया। क्या बना, लघुत्व। लघुत्व का मतलब पूरा उसमें भाव आ रहा है, छोटे, मतलब जैसे कि कोई लघु होता है, छोटा होता है, तो मान लो कि कोई जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके सामने, जो मान लो कि हम यदि हम रूरल एरिया की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, है ना, और जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब किसी बाहरी क्षेत्र में जाते हैं, पैसे वालों के, मतलब पैसे वाले जो लोग होते हैं या जो धनी लोग होते हैं उनके संपर्क में जैसे ही लोग आते हैं, लघु लोग, तो उनको कैसी भावना फील होती है, कैसी भावना महसूस होती है, उनको भावना महसूस होती है लघुत्व की या छोटेपन की, वही सोचते हैं कि हम तो छोटे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लघुत्व का भाव आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप नीला लिखिए, नीला है तो नीले में ईमा जैसे मैंने जोड़ा तो क्या बन गया, नी ला नी ली मा। क्या बना, नीलिमा। नीलिमा मतलब जैसे कि आकाश नीला होता है, ठीक है, अंबर नीला होता है ना, तो जैसे मैंने नीले में इमा जोड़ा तो क्या बन गया, नीलिमा बन गया। नीलिमा मतलब उसका जो भाव है,
वो किस प्रकार का है, उसको किस प्रकार से महसूस, कलर तो हम देख पा रहे हैं, रंग तो हम उसका देख पा रहे हैं कि भाई नीला रंग है, लेकिन भाव कैसा आ रहा है, नीलिमा, जैसे कि उसका भाव कैसा, मतलब वो कैसा महसूस हो रहा है, नीले कलर का, तो वो क्या बन गया आपका, नीलिमा, क्या बना, नीलिमा, ठीक है, ये बन गया आपका नीलिमा, ठीक। उसके बाद में हरित, हरित का मतलब भी आप समझते हैं, हरा, नीले का मतलब नीला हो गया, जैसे ही हरी, हरित का मतलब हो गया हरा, हरा है ना, तो हरे में या हरित में इमा जुड़ा तो क्या बन गया, हरित में जैसे इमा जुड़ा तो बन गया आपका हरितिमा, हरितिमा मतलब भाव कैसा हो रहा है, हरितिमा। जैसे आप कहीं गार्डन में घूमने गए, आप बहुत अच्छी प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह घूमने गए और आपने वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य देखा और सौंदर्य में आपने देखा कि भाई पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण बहुत ही खूबसूरत लग रहा है या सुंदर लग रहा है, तो वहाँ पर आपके भाव कैसे आएंगे, हरितमय, मतलब आप वहाँ बिल्कुल एकदम से अलग ही फील करेंगे, जैसा कि आप घर पे नहीं करते हैं, जैसे आप, या फिर अपन हरितमय की बात नहीं करें या किसी दूसरे भी बात करें, या हम जिस माहौल में जाते हैं, माहौल को देखते हैं, तो माहौल के हिसाब से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हरित में इमा जुड़ा तो क्या बन गया, हरितिमा बन गया। इसी प्रकार से आपका जो गुरु होता है, गुरु का मतलब मैं बता दूँ आपको, बड़ा भी होता हो, बड़ा होता है, तो ठीक है, इसमें गुरु में त्व जुड़ा तो क्या बन गया, गुरुत्व बन गया, क्या बन गया, गुरुत्व, ठीक है। गुरुत्व कौन सा वाला, एक तो गुरु होता है जो पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो एक तो वो हो गया, एक गुरुत्व होता है जिसमें भाव होता है कि भाई यार मैं गुरु हूँ तो मुझे किस प्रकार से रहना चाहिए लोगों के साथ, या मेरे जो विद्यार्थी दोस्त जो हैं, या विद्यार्थी जो फ्रेंड हैं उनके साथ मुझे कैसा रहना चाहिए, है ना, या क्लास में किस प्रकार से कैसा बिहेव करना चाहिए, तो ये सब किस में आते हैं, गुरुत्व में आते हैं, ये क्या है, भाव है, गुरु के क्या हैं, भाव है, ठीक है। ये हो गया आपका तदति प्रत्यय, ठीक है। इसमें आपके एक बार और रिवाइज कर लीजिए, इसमें आपके क्या क्या होते हैं, एक तो जातिवाचक होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं और एक विशेषणवाचक होते हैं, ठीक है। इसमें चौथा मैं आपको बता दूं, संज्ञा है ना, संज्ञा। अब देखिए संज्ञा तो आप समझते ही हैं, जैसे संज्ञा में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो क्या बताने लगती है, उसकी विशेषता बताने लगती है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ बता दूँ आपको, संज्ञा का बता देते हैं, आप 5-10 या 10-15 जो शब्द हैं वो मैं आपको संज्ञा के बता दूँ तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका कृत प्रत्यय का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें संज्ञा में देखिए, अब मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले संज्ञा लिखी धर्म, धर्म क्या है, संज्ञा ही तो है, ठीक है, धर्म हो गया आपका। अब जैसे ही मैंने धर्म में ई जोड़ा, क्या जोड़ा, एक, क्या जोड़ा, एक, जैसे ही धर्म में एक जुड़ा तो ये क्या बन गया, क्या बन गया दोस्तों, धार्मिक, क्या बना, धार्मिक, ये हो गया आपका धार्मिक, क्या बन गया, धार्मिक। देखिए धर्म पर्टिकुलर संज्ञा है, मतलब कोई भी व्यक्ति किस धर्म से रिलेट करता है तो हम क्या कहते हैं, उसका धर्म हो गया। अब जैसे ही हमने धर्म में एक जोड़ा तो क्या बन गया, धार्मिक, मतलब उस धर्म में आस्था रखने वाला क्या बन गया, धार्मिक बन गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं, अब फल, क्या देखते हैं, फल, इसमें हमने जोड़ दिया एक, क्या जोड़ा, एक, या इत जोड़ दिया, इत जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये फलित, क्या बन गया, फलित। देखिए दोस्तों फल का मतलब तो हम सब जानते हैं कि परिणाम भी इसको बोलते हैं, फल का मतलब होता है परिणाम, और इत जैसे इसमें जुड़ा तो क्या हो गया, फलित हो गया, मतलब उसको परिणाम जो है वो मिल गए हैं, ठीक है, क्या हो गया, परिणाम मिल गए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्राम की, और ग्राम में जैसे ही इण जुड़ा तो ये क्या बन गया, ग्रामीण बन गया, क्या बना, ग्रामीण। देखिए ग्राम का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो हो सकता है कोई ग्राम से हो, ग्रामीण हो, पढ़ रहा हो ऑनलाइन, या फिर कोई शहरी भी होगा तो मैं उनको बता दूं कि जो ग्राम है वो क्या है, एक संज्ञा है,
क्या है, संज्ञा है। लेकिन जैसे ही ग्राम में इण जुड़ा तो क्या बन गया, ग्रामीण, मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं या वहाँ का जो कल्चर है वो सब किस में आ गया, इसमें आ गया। तो क्या बन गया, एक लगते हैं ये क्या बन गया, विशेषण बन गया, इसकी विशेषता हो गई, क्या हो गई, ग्रामीण, इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। किसके जुड़ने से, ई के जुड़ने से ग्रामीण जो है ग्राम की क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो यहाँ पर किस में आते हैं, कृत प्रत्यय में, तदब्धि प्रत्यय और संज्ञा। संज्ञा जो होती है, जैसे ही संज्ञा में कोई प्रत्यय जुड़ता है और जैसे ही संज्ञा का उच्चारण होता है प्रत्यय जुड़ने के बाद, तो वो क्या बन जाती है, विशेषण बन जाती है। मतलब वो किसी भी चीज़ की क्या करती है, विशेषता बताती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रामीण हो गया। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं किसकी, बाजार की। किसकी बात करते हैं, बाजार, और इसमें हम जोड़ देते हैं उ, क्या जोड़ देते हैं उ, तो ये क्या बन गया, बाजारू। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस बाजार की ऊ जुड़ने से क्या हो गई, विशेषता बन गई, मतलब विशेषता हो गई कि क्या है, बाजारू है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम बाजार से लाते हैं तो उसमें बाजार क्या है, संज्ञा है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ घर पे आई और घर वालों ने बात की कि भाई ये तो बाजारू है ना, मतलब क्या है ये, बाजारू है, मतलब बाजार से लाई गई है, तो इसमें बाजार क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई ना। तो ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, चमक की। चमक, ठीक है, प्लस इला, जैसे इसमें इला जुड़ा क्या बन गया, ये क्या बन गया, चमकीला। देखिए, चमक किसी की क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। और इसमें ई जोड़ा हमने, इला जोड़ा तो क्या बन गया, चमकीला बन गया। मतलब चमकीला क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई, मतलब ये चमकीला जो है इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब देखिए, दया क्या हो गई, दया प्लस हो गया आपका लू। क्या जुड़ा इसमें, जैसे लू जुड़ा तो इस दया की विशेषता कौन बताएगा, अब दयालु की। ठीक है, क्या हो गई, किसी दया करने वाले में जब हमने ऊ जोड़ दिया तो दयालु बन गया, मतलब जो दयालु पर व्यक्ति जो है उसकी क्या हो गई, ये विशेषता हो गई, दयालुता हो गई। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं शंका की। शंका में भी हमने क्या जोड़ा, लू जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, शंकालु, क्या बन गया, शंका। ठीक है, यहाँ पर शंकालु क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई शंका की। ठीक है, ऐसे ही पुत्र प्लस वती, तो ये बन गया आपका पुत्रवती, मतलब जिसके पास में पुत्र हैं तो उसका भाव कैसा है, पुत्र वाला जो भाव है वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी, पुत्र की जो विशेषता है वो बता रही है, मतलब इस पुत्र और ये वती दोनों जब जुड़े तो क्या बन गया, पुत्रवती बन गया। मतलब जो पुत्र हैं, है ना, पुत्र के साथ में जैसे वती जुड़ा तो ये पुत्रवती बन गया, मतलब इसकी विशेषता बताने लग गया, किसकी, इसकी। ठीक है, ये पुत्र जो है, किस, ये जो शब्द हैं किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी, मतलब जैसे पुत्र हैं तो पुत्र तो है, लेकिन जैसे इसमें वती जुड़ा तो ये क्या हो गया, एक विशेषता हो गई कि हाँ इसके पास में पुत्र हैं या पुत्रवती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम सुंदर, और इसमें जोड़ देते हैं तम, तो ये बन गया आपका सुंदरतम। क्या बन गया, सुंदरतम, तो सुंदरतम क्या हो गई, विशेषता हो गई। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं शराब, क्या है, शराब, और जैसे इसमें ई जुड़ा तो ये क्या बन गया, शराबी बन गया। क्या बन गया, ये शराबी। अब देखिए, शराब अपने आप में एक संज्ञा है, लेकिन जैसे इसमें ई जुड़ा तो ये किसकी विशेषता बताने लगे, क्या हो गया, शराबी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं निम्न की, निम्न, और इसमें जैसे ही तम जुड़ा तो ये क्या बन गया, निम्नतम। क्या बन गया, निम्नतम,
क्या बना? निम्नतम। यह बन गया दोस्तों आपका निम्नतम। यहाँ पर निम्नतम क्या है? निम्न की विशेषताएं तम जोड़ने के बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले पोर्शन की, ठीक है। ये अपना काम निपट गया, पूरा ये काम हो गया, ठीक है। ये तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा इससे पहले के वीडियो में कि हमने शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया था। देखिए अब बात करते हैं शब्दों के, जो आपके जो प्रत्यय बन रहे हैं, शब्द बन रहे हैं, उनके प्रकार के आधार पर कि वो शब्द किस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यदि अर्थ के आधार पर देखें, ठीक है, तो अर्थ के आधार पर जैसे ही हम क्या करते हैं किसी प्रत्यय में या किसी शब्द में ता जोड़ते हैं तो वो किसी का अर्थ बताने लगता है। जैसे कि ता है, तो ता में जैसे कि मान लो सुंदर है ना, क्या है सुंदर में, जैसे मैंने ता जोड़ा तो क्या बन गया? सुंदरता बन गया। क्या बना? सुंदरता, ठीक है। क्या बना? ये सुंदरता। तो ये क्या हो गया? अर्थ के आधार पर हो गया। प्रयोग के आधार पर कि हम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो प्रयोग के आधार पर भी आपके क्या होते हैं? शब्द होते हैं। जैसे कि मैंने जोड़ दिया प्रयोग के आधार पर एरा जोड़ दिया, ठीक है। ये है ममेरा, क्या है? जैसे कि ममेरा हो गया, चचेरा हो गया, है ना। तो ये हो गए अर्थ के आधार पर, ये सॉरी प्रयोग के आधार पर कि हम किसी शब्द का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका शब्द के आधार पर। अब इतिहास के आधार पर मैं बता दूं आपको कि दोस्तों 4 से 5 प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहला तत्सम जो होते हैं वो तत्सम प्रत्यय होते हैं। जैसे कि जो शब्द डायरेक्टली संस्कृत से उठा लिए गए हैं वो आपके संस्कृत में आ जाते हैं। तद्भव जो कि आपके हिंदी के हैं वो देशज, मतलब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि भुलक्कड़, पियक्कड़ वगैरह। तो ये जो शब्द हैं ये आपके क्या हैं? देशज शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति कहीं से नहीं है, इनकी उत्पत्ति यहीं से लोगों ने देखा है, समझा है और उसका प्रयोग करने लग गए, तो वो जैसे हिंदी में प्रयोग हुए तो वो क्या कहलाने लग गए? देशज शब्द कहलाने लग गए। अब ऐसे ही विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे हिंदी में उपयोग तो किए जाते हैं लेकिन कौन सी लैंग्वेज के होते हैं, कौन सी भाषा के होते हैं, वो दूसरी भाषा से हमारे हिंदी में क्या होते हैं, आते हैं, तो उनसे क्या बनता है? जो हिंदी का जो विदेशी शब्द वाला जो प्रत्यय है वो बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो सबसे पहले अगर मैं फारसी की बात करूं तो फारसी में सबसे पहले आपकी जैसे मान लो कोई है ना, क्या है, कोई शब्द है जैसे कि नजर, क्या है आपका? नजर। मैं ये यहाँ पर बना लिख रहा हूँ फारसी यहाँ लिखा हुआ है इसका इधर, ठीक है, ये सब इधर बने हुए, उधर जगह नहीं इसलिए इधर बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया फारसी का सबसे पहले नज़र, क्या लिखा? नज़र। अब ये जो प्रत्यय हैं आना, जैसे ही ये इसमें जुड़ा, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया आपका? नजराना। क्या बना? क्या बना दोस्तों? नजराना। क्या बन गया? नजराना। क्या बन गया? ये नजराना। क्या बना? नजराना। कैसे पढ़ते हैं इसको? नजराना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? फारसी शब्द हो गया। ऐसे ही अंग्रेजी भी जो होता है, अंग्रेजी से भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने हिंदी में हम नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहां लिख दूं पब्लिक, क्या लिख दूं? पब्लिक, और इसके पीछे लगा दूं मैं एशन, क्या लगा दिया मैंने? शन। तो ये क्या बन गया? पब्लिकेशन। क्या बन गया है? पब्लिकेशन। तो ये शन भी जो है सीधे अंग्रेजी से उठाया गया है और हिंदी में इसका प्रयोग हुआ है, तो धीरे 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 इसका प्रयोग ज़्यादा होने लग गया और ये जो शब्द बनने लग गए वो बनने लग गए आपके विदेशी शब्द, ठीक है। ऐसे फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, अरबी हो गया। तो ये जो शब्द हैं दूसरी भाषाओं से अपन जैसे सीधे हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? आपके विदेशी शब्द बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी टॉपिक के साथ में हम इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारा लास्ट यहीं तक था, मैंने आपको सब बता दिया है। उसके बाद में हम अगले वीडियो में शब्दों के फॉर्मेशन के बारे, या शब्द फॉर्मेशन तो हो गया, शब्द निर्माण हो गया, हम बात करेंगे शब्दों के ऊपर कि शब्द होते कितने प्रकार के हैं, है ना। इसी कड़ी के साथ में हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा और हाँ वीडियो को